لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين، وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات الله وسلامه. آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ حیدری بیگم بنت محمد مظفر علی صاحب کی روح کو صلی اللہ علیہ وسلم. अगर आप लोगों को पहले देख लिया होता हमने तो वो पुराना दर्स जारी रहता। मैंने नज़र दौड़ाई, मजमे में कोई आदमी ऐसा नहीं था जो कल रहा हो या इससे पहले रहा हो। हमने कहा मजलिस है तो मजलिसी के नाम से जो है वो कर दें। और नहीं, फिर एक चीज़ और भी याद आई कि पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक शामिल हाल ये थी रोज़ाना शहजादी सिद्दीक़ ताहिरा के मसाइल होते थे डेली। इस साल नहीं मालूम क्या जो है वो बदकिस्मती शामिल हाल हुई कि सारे मसायब हुए, शहजादी के मसायब एक दिन शायद ज़िमनन हो गए तो वो भी कायदे से नहीं। आज जब इन दोनों अफराद ने अल्हम्दुलिल्लाह शहजादी का मरसिया पढ़ा तो मेरे जहन में भी बात आई कि कल वाले परसों वाले लोग हैं भी नहीं, शहजादी का जिक्र भी नहीं हुआ, तो चलो हम भी कुछ शहजादी ही से मुतालिक अर्ज़ कर दें। वक्त नहायत मुख्तसर है। जिस हदीस की तिलावत की है इरशाद हो रहा है, पैगंबर ने फरमाया फातिमतो सय्यदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। फातिमा दुनिया की तमाम औरतों की सरदार है। मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, अजल से लेके अबद तक, जब से दुनिया का वजूद है जब तक दुनिया का वजूद रहेगा फातिमा सय्यदा थी, सैयदा हैं, सैयदा रहेंगी। फातिमतो सैयदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, अज़ल से लेके अबद तक। हमारी और आपकी इबादतों का हाल ये है, हमारी और आपकी दुआओं और नमाजों का हाल ये है कि ये बहरहाल रमज़ान का महीना, रबीउल कुरआन, कुरआन की बहार का महीना है, जिसकी एक एक आयत सवाब रखती है, जिसका इतना बड़ा सवाब है कि हद है कि इमाम फरमाते हैं कि तिलावतुल कुरआन युखफ्फुल अज़ाब अनिल वालिदैन वलौ काना काफिरैन। कुरआन मजीद की तिलावत माँ बाप से अजाब को कम कर देती है चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। इस कदर अहमियत है तिलावत कुरआन की। लेकिन इसके बावजूद रिवायत क्या कहती है, रुब्बता लिल कुरआन वल कुरआन यलअनु। बहुत सी तिलावत करने वाले हैं, कुरआन पढ़ते हैं, कुरआन उन पर लहनत करता है। रुब्बकारी यकरउल कुरआन वल कुरआन यलअनु। बहुत सी किराअत करने वाले झूम झूम के कुरान पढ़ते हैं, बजाय सवाब के कुरान उन पर लहनत करता है। कैसे मुमकिन है जबकि ऐसी एक रिवायत और सुनाऊंगा आपको कुरान के सिलसिले। जैसे हम आप हैं, रात को लेटिए कहीं ऐसी जगह जहां रोशनी ना हो,
तो किस तरीके से सितारे चमकते हैं। रिवायत कहती है कि जैसे जमीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं, वैसे ही फरिश्तों के लिए वो घर चमकता है जिसमें कुरान की तिलावत होती है। तो एक तरफ कुरान की तिलावत का ये सवाब, दूसरी तरफ ये इरशाद कि रब तआला कुरान वल कुरान यलअनहु, बहुत से तिलावत करने वाले हैं, तिलावत करते हैं कुरान उन पर लानत करता है। बहुत आसान सा जवाब इसका है, इसमें बहुत बहस की जरूरत नहीं है, बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत तहकीक की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि कुरान मजीद की तिलावत करो। अगर कुरान मजीद जो कह रहा है उस पर इंसान अमल न करे तो कुरान लानत नहीं करेगा तो क्या करेगा, सवाब मिलेगा। मिसाल दे दूं, मसलन कुरान मजीद में इरशाद हुआ, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अनकुम अर्रिज्स अहलिल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। इंसान इस आयत की तिलावत करे और फातिमा जहरा की इस्मत पर शक करे, कुरान लानत करेगा कि नहीं करेगा। या इरशाद हुआ कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल क़ुरबा। इंसान इस आयत की तिलावत करे और अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत पूरी तरह से उसका हक अदा न करे तो कुरान लानत नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो एक तरफ कुरान मजीद हमारी तिलावतों का हाल यह है, नमाज का हाल यह सुनिए। इरशाद होता फवैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अलबत्ता बाज नमाजें वो हैं कि जिनके लिए तय नहीं हो सकता कि सवाब कितना है। इससे पहले एक दिन अर्ज किया गया था कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मन जाआ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो हमारी बारगाह में नेकी लेके आएगा उसको एक के बदले 10 दिया जाएगा। मन जाआ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा वहुम मिन फज़ई यौमइज़िन आमिनून, जो हमारी बारगाह में नेकी लेके आएगा उसको उसकी नेकी से बेहतर दिया जाएगा और वो क़यामत की दहशत से महफूज रहेगा। तीसरी जगह इरशाद होता है कि नेकी की मिसाल वैसी है उस दाने की सी है जिसमें 7 बानी निकले और हर बानी में 100 दाने हो। यानी कुरान कह रहा है कि नेकी का बदला 1 का 10, नेकी का बदला 1 का 700, नेकी का बदला जहन्नम क़यामत की दहशत से हिफाजत, और एक जगह नेकी के लिए है इसी कुरान मजीद में। इरशाद होता है कि वो लोग जो रातों को अपने बिस्तरों से उठते हैं नमाज शब पढ़ने के लिए, क्या पता तुम लोगों के लिए वो कि उनके लिए क्या सवाब तय किया गया है। यानी कुरान मजीद ने जहां 10 से लेकर 700 तक बयान किया है वहां नमाज एक ऐसी चीज है, नमाज शब खास करके, कि जिसके लिए कुरान कहता है कि तुमको क्या पता लोगों को कि इन नमाज शब पढ़ने वालों के लिए जो क्या सवाब तय किया गया है। जब अल्लाह अपना बयान करे कि नहीं मालूम किसी को कि इनका सवाब क्या है तो नमाज की अजमत का अंदाजा हुआ, नमाज की हैसियत का अंदाजा हुआ। सबसे ज्यादा अगर शैतान किसी चीज से परेशान होता है तो नमाज है, खास करके सजदे को तूल देगा, नमाज की अजमत यह है। लेकिन हमारी नमाजों का क्या हाल है। कुरान पढ़िए, इरशाद हुआ फवैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह की मार, अल्लाह की फिटकार, अल्लाह की वेल। बाज़ मुफस्सरीन फरमाते हैं वेल जहन्नम का एक तबका है, बिल्कुल नीचे वाला, उसको कहते हैं वेल। अगर वो मुराद है तो फवैलुन लिल मुसल्लीन, जहन्नम का वो आखिरी तबका उन नमाजियों के लिए अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। कुरान की आयत हदीस नहीं है, जो अपनी नमाज में गफलत बरतते हैं। जब तक आदमी को अपनी हैसियत का अंदाजा ना हो तब तक अहले बैत की अजमत का अंदाजा नहीं कर सकता। परसों दर्स के दौरान ये बात आई थी जो लोग थे कि मुत्तकी की पहचान यह कि कभी वो अपने कलील अमल से राजी नहीं होता, वला यस्तकसरुल कसीर, और ज्यादा भी करता है तो उसको ज्यादा नहीं समझता है। इस पर तफसील से गुफ्तगू हुई थी कि इंसान अपने अमल, अल्लाह तबारक व तआला एक रिवायत नकल की गई थी कि जहां अल्लाह तबारक व तआला फरमाता खबरदार इबादत करने वाले इस चक्कर में न रहे कि इबादत की बुनियाद पर उनको कुछ मिल सकता है।
नमाज की बुनियाद पर उनको कुछ मिल सकता है, रोजे की बुनियाद पर उनको कुछ मिल सकता है। दुआ अबू हमजा सुमानी में आप पढ़ते रहो, कैफ नस्तगफिर आमाल नुकाबिल बिहा करमक, पालने वाले हम कैसे अपने किसी अमल को अमल समझ सकते हैं, कसीर समझ सकते हैं, नुकाबिल बिहा करमक तेरे करम के मुकाबले में। दो रकत नमाज तो हमारे नामे आमाल में है नहीं जिसके लिए हम गारंटी ले सके कि अल्लाह अकबर से लेकर के अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु तक पूरी नमाज हमने पढ़ डाली और नमाज के अलावा खुदा के अलावा कहीं हमारा तसव्वुर इधर उधर नहीं गया। है किसी के पास दो रकत नमाज? खुदा फरमाता अपनी नमाज के भरोसे मत रहना, अपनी नेकियों के भरोसे मत रहना। तुम्हारी नेकियां अगर अदालत के तराजू में तौली जाए उसकी कोई औकात, वलाकिन हाँ हमारे कर्म के उम्मीदवार ना, हमारे कर्म की बुनियाद पर बेशक। यही बात है जो जनाबे लुकमान ने अपने फर्जंद को वसीयत की थी, बेटा अगर जिन्नो इंस के बराबर नेकी तुम्हारे नामे आमाल में हो तब भी अजाब इलाही से अपने आप को महफूज मत समझना, और अगर जिन्नो इंस के बराबर तुम्हारे नाम आमाल में गुना हो तब भी रहमत इलाही से अपने आप को मायूस मत। अल्लाह करीम है। तो बहरहाल हम अपने अमल की बुनियाद पर, हमसे मुराद हम सब, कोई ये जमानत नहीं ले सकता, गारंटी ले सकता कि हमारी नमाज की कोई हैसियत है, हमारे रोजे की कोई हैसियत। हाँ करम इलाही शामिल हाल हो जाए वो एक और चीज है। अहले बैत अलैहिम सलाम के मोहब्बत और उनके वसीले और उनकी शफाअत की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला माफ कर दे वो एक अलग चीज है, वरना हमारा अमल मिन हैसे अमल उसकी कोई हकीकत नहीं है। फवैलन लिल मुसल्लीन, वाय वैल नमाज पढ़ने वाले, ये नमाजी है जो जिनके लिए कुरान कहता है वैल इनके लिए जो नमाज में अपनी गफलत बरतते हैं। पहले हम अपनी औकात को समझ लें तब जहरा को समझें, तब अहले बैत को समझें। हमारी औकात समझ में आ गई ना, हमारे कुरान की हालत क्या है, हमारे नमाज की हालत क्या है। अहले बैत का सहारा ना हो तो नमाज नमाज नहीं है, रोज़ा रोज़ा नहीं है, अल्लाह की रहमत ना हो तो हमारी इबादत इबादत नहीं है, है ना। हमारी नमाज हमारी तिलावत हमारी दुआ का आलम यह है। अब इसी हदीस को मैं कंटिन्यू करता हूँ, पैगम्बर ने क्या फरमाया, फातिमतु सैयदतु निसाइल आलमीन, फातिमा सैयदा है सरदार है दुनिया की तमाम औरतों की, मिनल अव्वलीना वल आखरीन, अजल से लेके अबद तक सबको अपनी इबादतों का अंदाजा। अब जहरा की इबादत कौन मुकाबला करेगा आले मोहम्मद का, पैगम्बर फरमाते हैं लेकिन वअन्नहा लतकूमु फी मिहराबिहा, लेकिन मेरी बेटी फातिमा जब मेहराब इबादत में खड़ी होती है, युसल्लून अलैहा सबऊना अल्फ मलक मिनल मुकर्रबीन, 70,000 मलक मुकर्रब फातिमा के अंदाज इबादत पर दुरूद भेजते हैं। कहां आम इंसान की दुआ, कहां आम इंसान की नमाज, कहां आम इंसान की इबादत, कहां उस खातून की इबादत कि जब वो मेहराब इबादत में खड़ी होती है तो युसल्लून अलैहा 70,000 मलक, और वो भी 70,000 मलक आम मलक नहीं, मलक मिनल मुकर्रबीन, 70,000 मलक मुकर्रब फातिमा के अंदाज इबादत पर दुरूद भेजते हैं। वयुनादून बिमा नादत बिहिल मलाइकतु मरियमा, और उसी अंदाज से पुकारते हैं फातिमा को जैसे मलाइका मरियम को पुकारा करते थे। कहते हैं ये कब पुकारते हैं, फातिमा जहरा मेहराब इबादत में होती है, कहते हैं या फातिमतु इन्नल्लाह अस्तफाकि वतहरकि वस्तफाकि अला निसाइल आलमीन, फातिमा अल्लाह ने आपको चुन लिया है, वतहरकि अल्लाह ने आपको पाक व पाकीज़ा करार दिया, वस्तफाकि अला निसाइल आलमीन, फातिमा ने आपको सारी कायनात पर मुंतखब कर लिया है। माह मुबारक रमजान कहते हैं अल्लाह की मगफरत का महीना है, है ना। अल्लाह के छठे इमाम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई शख्स माह मुबारक रमज़ान में माफ ना हो फिर कोई चांस पूरे साल उसकी माफ़ी का बख्शिश का नहीं है, मगर ये कि अल्लाह तौफीक दे अरफात में जाए वहाँ दुआ करे तो शायद मे बी पॉसिबल मुमकिन है, हो सकता है। असल रमज़ान बख्शिश का महीना है, दुआ का महीना है। सलावत पढ़िए मोहम्मद अल्लाह तबारक व तआला के करम का हाल यह है कि खुदा फरमाता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीअ, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो,
अल्लाह तुम्हारा सारा गुनाह माफ कर दे। इरशाद हुआ, इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद्दाई इज़ा दआन। मेरे हबीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो आप कह दीजिए इन्नी करीब, मैं अपने बंदों से करीब हूं। उजीबु दावतद्दाई इज़ा दआन, मैं अपने बंदों की पुकार को फरियाद को सुनता हूँ जब वो पुकारते हैं। فَلْيَسْتَجِيبُوا فَلْيُؤْمِنُوا بِي, इनको चाहिए मुझे पुकारे, मुझ पर ईमान लाए। لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, ताकि जो इन लोग शायद कुछ रहे, हिदायत मिल जाए। तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है कि मेरा बंदा आए, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, मैं अपने बंदे को माफ कर दूं। रिवायात इस तरह की है। ये क्या है, 40 मोमिनीन मरने के बाद ईसा अलैहि सलाम को मिल सका, ये शहादतनामा क्या बला है? ये शहादतनामा क्यों है? 40-40 आदमी गवाही दे रहे हैं, पालने वाले ये ठीक था, ये आदमी ठीक, या नमाज पढ़ते हैं आप, नमाज मैयत पढ़ते हैं, चौथी तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं आप? अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैर, पालने वाले मैं इस मैयत के बारे में कुछ नहीं जानता सिवाय खैर, ठीक है, मानता आलमों में ही मिन्ना, तू हमसे बेहतर समझता, लेकिन हम साहब खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। क्या मतलब हुआ इसका? नमाज पढ़ने आया हो, झूठ बोलने आया, महल्ले का आदमी है, पड़ोसी है, पता है कि क्या कुछ किया है, पता है कि नमाज की इसके हालत क्या थी, पता है रोजे, फिर झूठ बोल रहे हो, खड़े होकर के अमामा लगा करके नमाज मैयत पढ़ रहे हो, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैर, पढ़ने वाले में कुछ नहीं जानता सिवाय। अब अगर कोई आकर के हमसे ये सवाल करे कि मौलाना नमाज मैयत पढ़ा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, हमारा जवाब क्या है? मैं कहां अपनी जेब से पढ़ रहा हूं इसको, हमको तो उधर से लिख के मिला है। अगर हमने नमाज मैयत बनाई हो तो आप हमारे ऊपर एतराज कीजिए, हमको तो वहां से लिख के मिला है ना, ये कहो तो अल्लाह क्यों चाहता है कि हम कहें हम इसके बारे में कुछ नहीं चाहते जानते सिवाय खैर के, क्यों चाहता है खुदा? अगर उधर से लिख के मिला क्यों चाहता? इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह का करम यह है कि उसकी रहमत बहाना ढूंढती है। 100-200 आदमी खड़े करें ठीक था, अल्लाह ने कहता चलो मेरे बंदे करें, 40 आदमी ने लिख के दे दिया चलो बंदे करें ठीक था। यानी अब वक्त नहीं, आपको अर्ज करता शफाअत, सिफारिश, अगर ढंग का एक आदमी भी कर देना, ये तो 200-400 लोग नमाज में, एक आदमी अली जैसा अगर सिफारिश कर दे तो काम हो सकता नहीं हो सकता ठीक। यानी अल्लाह का आलम यह, तौबा कर लो माफ कर देगा, इस्तगफार कर लो माफ कर देगा, 150 आदमी खड़े हुए कई देर पालने वाले छोड़ देगा है ना। अब किस्मत है अपनी अपनी, ऐसे भी कुछ लोग हैं वफात पैगंबर के बाद मर गए ठीक, उस वक्त से लेके कयामत तक आज कितने मुसलमान हैं दुनिया में, 1 अरब से ज्यादा है, और हर जगह मेरे ख्याल में तकरीबन 2400 घंटा मुस्तकिल दुआ हो रही, अल्लाह इनसे राजी हो जाए, अल्लाह इनसे, दुनिया भर के टेलीविजन है रजी अल्लाह अन्हु वर्दा, रजी अल्लाह अन्हु वर्दा, अल्लाह इनसे राजी हो जाए, अल्लाह इनसे राजी हो जाए। तो अभी तो आप कह रहे थे अल्लाह ऐसा करीम है, 150 आदमी कहते खुदा माफ कर देता है। अगर किसी ऐसे आदमी के लिए 1400 बरस से खरबों मुसलमान सुबह शाम चीख रहे हो पालने वाले राजी हो जा, पालने वाले राजी हो जा, पालने वाले राजी हो जा, अल्लाह उससे राजी नहीं होगा। स्वाद, अगर आपने कहा अल्लाह राजी नहीं होगा तो इतनी देर से पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहे थे, खुदा करीम है, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। और अगर आपने कहा ठीक है अल्लाह राजी हो गया, तो जब अल्लाह राजी हो गया तो आप बुरा कहने वाले कौन है किसी को? दोनों सूरत तो फंसी नहीं फंसी बात का, नहीं मैं अपनी बात पर कायम हूं, अल्लाह करीम है, अल्लाह बेशक माफ करता है, राजी होता है, मगर शर्त पैगंबर ने बयान की है, क्या? रिबल्लाह फी रिबा फातिमा, अल्लाह उसी से राजी होता है जिससे फातिमा राजी हो जाए। सारी कायनात की दुआ एक तरफ, फातिमा ज़हरा की रजा एक तरफ। अगर हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा राजी नहीं है तो ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना इबादत कबूल है, कुछ इंसान का काबिल कबूल नहीं है बारगाह इलाही में अगर सिद्दीक ताहिरा राजी ना हो। फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा जिगर है,
मन आदा फकत आदा ने, जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। बस इसका इजाफा करते हुए मन आदा ने फकत आदा अल्लाह, और जिसने फातिमा को अजियत, जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। जिस फातिमा का आलम यह है कि कुल्लमा दखलत अलैह फातिमा काम अलैह रसूलुल्लाह, जब कभी पैगंबर अकरम आते के पास आती थी हजरत जहरा, काम अलैह रसूलुल्लाह, पैगंबर अकरम फातिमा के लिए खड़े हो जाते। जिस फातिमा की अजमत का आलम यह है, उस फातिमा के साथ क्या किया गया पता है? खास करके मैं उनसे सवाल करता हूँ जो सैयद, जो उस फातिमा जहरा की औलाद है। सैयदो सोचो तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ, और आप नहीं रोएंगे, आप नहीं चीखेंगे, आप नहीं फरियाद करेंगे तो कौन करेगा? दरवाजे पर लोग जमा हो गए। क्या है का अली को घर से निकाल दो। बीबी ने फरमाया अली नहीं आ सकते, घर में आग लगा दे। शहजादी ने फरमाया क्या उस घर को आग लगा दे वो जिसमें तुम्हारे नबी के छोटे छोटे बच्चे। जवाब दिया गया हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि इस घर में कौन रहता। कहते हैं कि आग और लकड़ी लेके आए थे, दरवाजे में आग लगा दी थी। जब दरवाजे का कुछ हिस्सा जल चुका तो तारीख का बयान है कि एक शख्स आगे बढ़ा और अपने पैरों से इतनी जोर का धक्का मारा है दरवाजे पर कि दरवाजा अपनी जगह से उखड़ा और आन के फातिमा के अल्लाहु अकबर या अल्लाह इन आवाजों को रंग दे। माशाल्लाह माशाल्लाह खुदा पीछे दीवार सामने दरवाजा। देखिए एक होता है झटके से किसी चीज का टकरा जाना, लेकिन नहीं बात ये नहीं कि दरवाजा झटके से टकरा गया, पीछे दीवार है सामने दरवाजा। इन मलाइन ने कुछ देर तक दरवाजे को फातिमे से दबाए पुराने जमानों में दरवाजों को आपस में जोड़ने के लिए कील लगती है। दरवाजा ऊपर के साथ फातिमा के सीने पे आया है ना, तो जो कील थी दरवाजे में दाखिल हो गए, दरवाजा अपनी जगह से उठा, ये लोग घर में दाखिल हो गए। लेकिन अल्लाह रे फातिमा, अल्लाह रे जहरा, कहते जैसे ये लोग घर में दाखिल हुए फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा आन करके अमीर उल्मुमिनीन के सामने खड़ी हो गई। सीधा से पर मेरे भाइयों इसके बाद खुदा की कसम अगर छठे इमाम की इजाजत ना होती ना कि बताओ हमारे चाहने वालों को हम पर क्या गुजरी है, वरना ये रिवायात पढ़ने लायक नहीं है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। फातिमे जहरा आज के खड़ी हो गई। दो तरह की रिवायतें अर्ज करूं, एक रिवायत में है कि एक शख्स आगे बढ़ा तलवार के दस्ते से फातिमे जहरा के शिकर ऐसा मार दिया। रिवायत कहती बीबी की चीख निकल शहजादी के बाजू पर मारा। तारीख कहती है कि ऐसा निशान पड़ा
भी सुलेम आए, बस किसी पर मजलिस तमाम। सुलेम आए मौला के पास, मौला के साहब में सुलेम ने पैस जिनकी किताब भी मौजूद है छप चुका है। सुलेम दौरे दोपहर में खिलाफत के जितने गवर्नर थे सबकी आधी पर प्रॉपर्टी जब्त की गई। ये कॉन्फोस इसको भी गवर्नर बना दिया गया था दूसरी दौरे हुकूमत, सारे गवर्नरों की आधी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। सुलेम ने कैस अली अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने लगा मौला कुछ सुना आपने? का क्या? का सारे गवर्नरों की आधी जायदाद जो है वो मरकजी हुकूमत ने जब्त कर ली, खिलाफत ने जब्त कर ली सिवाय कॉन्फोस के। कॉन्फोस की जायदाद जो जब्त नहीं हुई। सुने गया देख रही सुलेम ने कहा मौला रोने दो, मौला क्रिया करने लगे। सुलेम ने कहा मौला मैंने क्या कह दिया, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो क्रिया कर रहे हैं आप? फरमाया तुमको पता है कि ये छूट क्यों दी गई है कुलफुस को? कुलफुस को ये छूट दी गई है उस कोड़े के बस में, उस ताजियाने के बस में, तो उसकी स्थिति कहता है ना कि इस पर मरना। يعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون